वेलकम टू दीपिका शर्मा किचन। फ्रेंड्स, आज मैं अपनी किचन में हनुमान जयंती के उपलक्ष में बेसन के लड्डू बना रही हूँ भोग के लिए। तो मैंने, आप मेजरिंग कप से भी ले सकते हैं और वैसे कोई भी कटोरी ले सकते हैं। जैसे कि हलवे में बराबर का घी डलता है, तो लड्डू में थोड़ा सा घी कम डलता है कि जिससे वो बाइंड हो जाए शेप ले लें। तो मैंने एक कटोरी बेसन लिया और 3/4 कटोरी घी लिया। तो सबसे पहले मैं घी डालूँगी। घी हल्का सा मेल्ट हो गया, अब मैं इसमें बेसन डाल दूँगी। बस बेसन को जो हम भूनते हैं वो स्लो गैस पे भूनते हैं, क्योंकि बेसन बहुत जल्दी जलने लग जाता है। ये भी घी हल्का सा ज़्यादा है, थोड़ा सा कम चाहिए होता है इसके लिए, कि मेरा ये क्या मेल्टेड घी नहीं था। तो अब मैं इसमें 1/4 कटोरी बेसन और ऐड करेंगे मेल्टेड, क्योंकि बिना मेरा सॉलिड था थोड़ा, अब ये इतना चाहिए इसमें। अच्छे से घूम भी रहा है और बाद में जब बूरा ऐड होगी, शुगर ऐड होगी, तो ये सेट हो जाएगा। और अभी जब ये भुन जाएगा बेसन, तब भी ये घी छोड़ देगा। अभी बहुत सही इसका मेज़रमेंट है। तो मैंने 1/4 कटोरी बेसन लिया है और 3/4 कटोरी घी लिया है अनमेल्टेड। अब मैं स्लो गैस पे इसको चलाते हुए अच्छे से भूनूंगी। खुशबू आ जानी चाहिए, और अगर तेज़ गैस करेंगे तो क्या ये जल जाता है और फिर कच्चा, अंदर से कच्चा लगता है। बस इसका एक भूनना ही है वो जो हमें अच्छे से करना होता है। वो मार्केट से भी अच्छा बनता है। मार्केट का जो लड्डू होते हैं उसमें चीनी का टेस्ट ज़्यादा आता है, और जो हम घर में लड्डू बनाते हैं उसमें भुने हुए बेसन का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो मैं इसको भून लेती हूँ, डिफरेंट हो जाती है। बस इतना ध्यान रखना है कि हमारा जो बेसन और घी का जब मिक्सचर बनता है तो वो अच्छे से चलना चाहिए, सूखा सूखा नहीं होना चाहिए। घी इसमें आप कम कर सकते हैं अगर चाहें तो, लेकिन क्या है, कोई भी स्वीट्स होती हैं तो उसमें ज़्यादा घी और थोड़ा सा अच्छा शुगर की क्वांटिटी अच्छी लगती है। कम घी में फिर क्या है, वो टेस्ट नहीं आता। ये अच्छे से भुन चुका है, अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसको ठंडा होने देती हूँ। ठंडा करना इसको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज़ क्या है, चीनी पानी छोड़ देगी। बस ल्यूक वॉर्म ही रखना है, उसके तब हम इसमें शुगर या बूरा ऐड करेंगे। ड्राई फ्रूट आप कोई भी डाल सकते हैं, वैसे इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। इलायची डलेगी, इलायची में डाल देते हैं। इलायची डाल के मिला देती हूँ। इसको हम चलाते हुए ठंडा करेंगे, अदरवाइज़ क्या है, कलर डार्क हो जाएगा इसका। बादाम को भी मैंने गार्निशिंग के लिए काट लिया लंबा लंबा। बेसन 3/4 कटोरी घी, और अभी इसके अंदर बूरा मिक्स हो जाएगा, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। वार्म हो गया, बिल्कुल ठंडा तो नहीं हमें करना। इसमें हम ये बूरा ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। ये देखिए, बूरा ने घी को एब्जॉर्ब कर लिया, ना ही ये सूखा बनेगा। कलर भी इसका इतना अच्छा है, खाने में बहुत टेस्टी है। कोई हमें इंस्टेंट मिठाई या भोग बनाना हो तो ये सबसे बेस्ट है। या तो कोई हलवा बना सकते हैं या ये लड्डू। हलवे का क्या है कि कंज्यूम एक दो दिन में करना होता है, इसको आप प्रिजर्व स्टोर करके भी रख सकते हैं। इन लड्डू के सामने सारी मिठाई फेल है, इतने टेस्टी होते हैं ये। सारी बूरा मिक्स हो गई है, मैं इसके लड्डू बनाते हैं। ऐसे हाथ में घुमाते हुए बना लीजिए। ये देखिए, इस तरीके से बन जाएंगे। और हाथ में हम ऐसे एक बार पहले लड्डू की पूरा बाइंड करके फिर ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो ये गोल बनेंगे। साइज आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए। पहले इसको बांध लीजिए और फिर गोल बना लीजिए। ये देखिए, इसी तरीके से मैं सारे बना लेती हूँ। एक छोटी कटोरी 1/4 कटोरी बेसन के ये लड्डू तैयार हैं।
ये हनुमान जयंती के उपलक्ष में मैंने आज अपनी किचन में बनाए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी आसान और स्वादिष्ट रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बस इसमें दो ही तीन चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। बेसन कम गैस पे भूनना है, घी प्रॉपर होना चाहिए, कम घी अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा घी ऊपर नीचे हो जाता है तो टेस्ट चेंज हो जाता है। चीनी अगर आप बराबर की रख लो जितना बेसन लो, मैंने एक कटोरी ली है, सवा कटोरी में एक कटोरी, और परफेक्ट मीठा है इसके अंदर। और गार्निश आप कर सकते हैं काजू से, बादाम से, और बीच में मैंने इलायची कूट के डाली है क्योंकि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट होता है, थोड़ा हैवी होता है, तो इसलिए इलायची ज़रूर डालनी। सो थैंक यू।